हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 49 लाई हूँ मैथ की। ठीक है बच्चों, और इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी कि सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है उसकी वर्कशीट आज आपके सामने आई है। तो इसमें कई उदाहरण दिए हैं, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन दिए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। ठीक है, रक्त समूह आपको दिए हैं ए बी ओ, इस तरह से दे रखे हैं और लिखा है, इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। ओके बच्चों, तो इसका आंसर है, इस तरह से आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, ऊपर लिखना है रक्त समूह, मिलान चिन्ह और बारंबारता। ये क्वेश्चन बच्चों आपने 8th क्लास में किए हुए हैं। तो ए रक्त समूह के कितने हैं, 1 2 3 4 5, चार लाइनें सीधी काट डालनी है और पांचवी लाइन को आपने काट देना है। तो जितने आप गिन के ए वाले गिन लो सारे और यहाँ पे लाइनें डाल दो। ठीक है, तो टोटल 9 है। इस तरह से बी वाले जो रक्त समूह हैं उनको गिन करके यहाँ पे डाल देनी है लाइनें, और पांचवी जो लाइन है वो क्रॉस में रखनी है। ठीक है, तो ये 6 हैं और ओ ग्रुप वाले 12 हैं और ए बी वाले 3 हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से लाइन डाल के आपको दिखाना पड़ेगा मिलान चिन्ह में, और अब बारंबारता में टोटल करके दिखाना पड़ेगा। तो ये टोटल है 30। अब इन्होंने एक क्वेश्चन और हमें पूछा है इसी में कि कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा विरलतम है, यानी कि सबसे कम जो नंबर हैं वो किसके हैं और सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं रक्त समूह में। तो मैंने लिखा है बच्चों, सामान्य है ओ वाला, देख लेना आप, ओ वाले में देखो कितने कितना है, ज़्यादा है 12। ठीक है, और जो विरलतम है यानी कि सबसे कम नंबर है जिसके, वो है 3, यानी कि ए बी ग्रुप। तो इसका आंसर ही हो जाएगा, सामान्य में ओ आएगा और विरलतम में ए बी आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बच्चों, इसमें 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं। ये आपको आंकड़े दिए हैं सारे, ठीक है, इस तरह से, और इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों मैं सारे नंबर तो नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, तो आपको मैं इसका आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये, इसमें लिखा है बच्चों की संख्या मिलान चिन्ह बारंबारता। ठीक है, पहले 0 नंबर के कितने बच्चे हैं, 5 हैं। ठीक है, 1 नंबर वाले 9 हैं, 2 नंबर वाले 15, 3 नंबर वाले 5 और 4 नंबर वाले 6। इस तरह से आपको उसमें जो तालिका दे रखी है उसमें से गिन के लिखने हैं और टोटल करके लिख देना, तो ये आया 40। ठीक है बच्चों, इसमें यही था, यानी कि 2 ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आप इसको अच्छे से देख लो और आपको इसी तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।